आज पैंथर एंजॉय करेगा। शाहपुर की गलियों से होते हुए हम निकल रहे हैं, अभी कहाँ पे मालूम नहीं। जैसे जैसे देहरने के पास पहुंच रहे वैसे वैसे और खूबसूरत होते जा रहा है लैंडस्केप। एक दो तीन, फाइनली फाइनली वी मेड इट। अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया है, रास्तों की कंडीशन कुछ इसी तरह है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, नए मोटो व्लॉग में स्वागत। जहाँ जहाँ पे भी मौका मिल रहा है मैं जा रहा हूँ। सो वैसे ही मैं कल देहने मतलब शाहपुर के पास एक गांव है वहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं और मेरा दोस्त कल हम लोग जा रहे हैं। बहुत दिनों से प्लान था, इनफैक्ट 6-7 महीनों से प्लान था जाना है करके इस बारिश में, लेकिन फाइनली कल जाने वाले। मिलता हूँ आपको मॉर्निंग में 2 सेकंड। सो मैं पहुँच गया हूँ अभी मेरे मीटिंग पॉइंट पे, एक्चुअली हमारे मीटिंग पॉइंट पे। पॉल्यूशन को क्रॉस करते करते हम लोग जाने वाले हैं देहने। देहने जाने के लिए टोटल हमारे घर से 2 रूट दिखा रहा है, एक करजत से मतलब टूवर्ड्स लोनावाला वाला रास्ता, और दूसरा मतलब कल्याण भिवंडी शाहपुर वो साइड से। हमारा संडे को प्लान बना था जाने का, लेकिन उस टाइम पे मेरा काम था प्लस बारिश भी थी। बारिश में एक्चुअली जाने को वहाँ पे मज़ा आता है। आज पैंथर एंजॉय करेगा क्योंकि एकदम आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा घाई नहीं है। जब लेकिन मैं उसको गाँव लेके गया था तभी इंजन से गालियाँ आ रही थी मेरे को। सीन ऐसा है कि ये जो पैच वर्क करके रखते हैं ना ये लोग, उसके वजह से बाइक का बहुत नुकसान होता है। चलो ये मिसल पाव अपना, वड़ा उसल, मसाला डोसा। पहला शादी वटी पहली खाली कटोरी लेके आया हूँ। अभी मालूम नहीं क्या आएगा। बट एनीवेज टेस्ट अच्छी है, छाछ भी आ गया है। छाछ ही एक इम्पोर्टेंट है राइडिंग के वक्त, बाकी कुछ खाओ या मत खाओ। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का ब्रेक हुआ। सो क्रॉसिंग वासिन नाउ, और आपको पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, लेफ्ट साइड में माहुली ट्रैक है, माहुली फोर्ट, महाराष्ट्र का वन ऑफ द नोन फोर्ट में से एक है। यहाँ पे भी हमने ट्रैक किया था, उसके बाद लगा था कि कभी ट्रैक नहीं करेंगे। लेकिन ट्रैक होते गए, वाट लगती गई। शाहपुर वाला लेफ्ट लिया है, ऊपर से सीधा जाओगे तो कसारा जाओगे, और यहाँ से अभी 40 किलोमीटर है राइट में। ये ज़रा कॉम्प्लिकेट करके रखा है वासिंदन। यहाँ पे जो टर्न है, लाइक बताता हूँ अभी आपको, देखो गांव के अंदर जाने के लिए रास्ता आगे से है, तो इन्होंने पहले ही ये एंट्रेंस दिया है, तो समझ में ही नहीं आता। एक बार मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर आगे से आना पड़ा था यू टर्न। हाँ देहनेला जायचं आहे, देहनेला हो गए, आधी हाच रास्ता होता ना कारण। शाहपुर की गलियों से होते हुए हम निकल रहे हैं अभी कहाँ पे मालूम नहीं। वन मोर अपडेट, गलत रास्ते पे फिर से आ गए हैं हम। अरे भाई साहब, अपनी गाड़ी घूमती भी नहीं है रे, जल्दी। सो ये है समृद्धि महामार्ग और हम लोग मुरबाड़ वाले रोड पे है। शॉट्स और फोटोग्राफी ब्रेक के लिए रुके हैं। काफ़ी सुंदर लोकेशन है, आजू बाजू में पूरी हरियाली, माउंटेन रेंज, और ये आगे तक ऐसा ही रोड है। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल फाइन, एंजॉयिंग। ड्राइवर चेंज हो रहा है हिमालयन का। ये ली थी, चल लिया था। सीट गर्म है। सूरज देवता किधर हो, थोड़ा सा कृपा बरसाओ।
हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बारिश नहीं चाहिए लेकिन छाव दे दो यार, बादल जाओ जरा आगे उनके। जैसे जैसे देहरने के पास पहुंच रहे वैसे वैसे और खूबसूरत होते जा रहा है लैंडस्केप। देखो पूरा ये आजोबा पर्वत है और क्लाउड्स से कवर्ड है पूरा। ओहो हो, क्या बात है। जैसे फोटो में हम लोग देखते हैं सेम टू सेम लैंडस्केप यहाँ पे मेरे नज़रों के सामने है। सी दिस ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है भगवान ने। हा इतला सगळ्यात शेवटची वाडी आहे ही, इथली या लोकेशन मधली धेने ही इकडे शेवटची वाडी आहे आणि हा रस्ता जो तो आजोबा पर्वतकडे जाते आणि इथूनच आता बाकी नदी वगैरे आणि एकच छोटासा वाडा आहे जिथं 10-15 घरं आहेत फक्त आणि आम्ही आता तिथंच चाललेलो होमस्टेसाठी। चालो चालो, पूरा आसमान साफ आहे। क्यूटीज, मस्त अभी पहुंच गए हैं, बाइक लगा दी है और चिलिंग चालू है। विशाल भाई भाई का चिलिंग, हमारे घर से ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर लोकेशन 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे, जो आप अगर आज की जैसे अगर ट्रैफिक नहीं मिली भिवंडी वाली तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में आप आराम से आ सकते हो खा पी के। थोड़े रस्ते लेफ्ट राइट है, उसी चीज़ की वजह से थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट कोई अगर जैसे जान पहचान वाला अगर बंदा अगर साथ में रहेगा जो इससे पहले यहाँ पे आ चुका है तो इजी पड़ेगा। अगर वैसा भी नहीं है तो गूगल पे एक मैप डाउनलोड करके रखना है आपको, जिसका लोकेशन का मैप है, मतलब आजोबा पर्वत। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मन करे आएंगे यहाँ पे तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो GPS काम नहीं करेगा। जो हम लोगों का अभी इसके नेक्स्ट प्लान है, हम लोग जाने वाले हैं रिवर, रिवर पे जाके धिंगाना मचाएंगे, मजे करेंगे। वहाँ के लोग होमस्टे प्रोवाइड करते हैं बट बहुत मिनिमलिस्टिक है, जिसमें से एक है नाना जो यहाँ पे होमस्टे प्रोवाइड करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू पे एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट आपको जो भी पे करना है जस्ट पे इट व्हेनेवर यू लीव। आपको यहाँ पे लंच डिनर मिल जाएगा, रेस्ट करने के लिए आप देख सकते हो बहुत सी जगह है यहाँ पे, जैसे ये एक पंजी है, वहाँ पे खॉट है, वहाँ पे एक बाज है पड़ी हुई और स्पेस है, खुला स्पेस है, मतलब जो गांव का वाइब है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आता है। हम लोग जा रहे हैं अभी नदी पे, धूप देख लो कितना है और नदी पे जाने का शौक। सनग्लास को पावर करने का तरीका देख लो। हाँ ये देखो पावर करने का तरीका। फोटो साठी मी हा वापरतो, त्याच्यानंतर बाईक राईडच्या वेळेस पॉवर वाला, प्रॉपर पॉवर वाला आहे तो वापरतो। मुंग्या बघ इथे काय मुंग्या, मुंगी ते लाल वेगळ्या मोठ्या, तसं नाही म्हणजे वेगळं काहीतरी पहिल्यांदा बघितलं। बारिश से पहले ये प्लान बना था कि बारिश, फर्स्ट बारिश जिस दिन गिरेगी उसके साथ से
8 दिन के अंदर या 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम लोग देने में आएंगे, पर पॉसिबल नहीं हुआ, रीजन सो एंड सो रीजन। तो अभी फाइनली जैसे बारिश खत्म हुई उसी के बाद में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। गर्मी हमको हो रही थी राइड के बाद, सारी गर्मी इस पानी में निकल गई थी। बहुत ठंडा पानी है, नेचुरल एंड क्लीन एकदम। यहाँ पे वेज, यहाँ पे नॉन वेज, दाल चपाती, चावल की रोटी आई गेस, भाकरी एंड पापड़। बस अभी खाना हुआ है, टेस्टी एकदम। लेट गए, अभी 6 बजे का निकलने का प्लान है और सनसेट ऑन द वे देखेंगे, क्योंकि ऐसे लोकेशंस पे सनसेट देखने में भी बहुत मज़ा आता है। मस्त है लोकेशन, स्टे के लिए तो मज़ा आ जाएगा, स्पेशली बारिश या ठंडी में। चलो पैकिंग हो गया है, बाइक लोड हो गई है। प्लान के मुताबिक सनसेट के टाइम पे निकलना था, सनसेट हमको रास्ते में देखना था, लेकिन पावर नैप ली उसकी वजह से टाइम लग गया, बट ठीक है, इम्पोर्टेंट थी। अभी भी आँखें देखो, अभी नींद नींद में है लेकिन फ्रेश है। कितना अभी सुंदर दिख रहा है इधर। चलो निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसके लिए कॉल बहुत अटके पड़े हैं। मेरे घर से यहाँ तक आने के लिए टोटल 127 किलोमीटर पूरे हो गए हैं एंड आई हाय हाय लुक एट द व्यू मैन। गिरना मत मिस। चलो देख लो कलर कॉन्ट्रास्ट देख लो। अभी सिर्फ वाइजर लगाना पड़ेगा हेलमेट का, क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो डायरेक्ट फिर हेलमेट में आते। हम लोग रुके थे मेरे फ़ोन से फ़ोटो निकालने के लिए, फ़ोन का कैमरा हमने नदी में गलती से डुबा दिया था, इसके लिए फिर अभी उसमें क्या मालूम मॉइस्चर पकड़ रहा है या क्या है, जेब से निकालने के बाद उसमें मॉइस्चर पकड़ रहा है, इसके लिए फिर फॉगी फ़ोटोज हो रहे थे सब। हम लोग फिर से देहनी की तरफ जा रहे, क्योंकि यहाँ के लोकल्स ने बोला कि अगर करजत जाना है तो टोकावड़े करके एक गाँव है, वहाँ से फिर मुरबाड़ से होके करजत, विच इज़ ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर्स। ये देखो गाइज, यहाँ से राइट दिखा रहा है, राइट किधर जाता है, इधर रास्ता घर में घुस रहा है रास्ता, पूरा हॉन्टेड वाइब्स है यहाँ पे। ठीक है, साथ में अभी कोई तो है तो ये रूट लेने को कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर सोलो रात को अगर आप आ रहे हो यहाँ से, सो बी केयरफुल। अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया है, रास्तों की कंडीशन कुछ इसी तरह है। यहाँ पे बस कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम ना हो, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं। हम पहुँच गए करजत में फाइनली। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। करजत में मस्त एक विट्ठल भगवान की प्रतिमा है बड़ी सी, और इसे प्रति पंडरपुर कहते हैं। यहाँ पे मालूम नहीं, आज जरा फॉगी सा है बहुत, सीधा एरिया काफी सुंदर है, उसके बाजू में नदी भी है। ये वीडियो अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा, लोकेशन अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, और आप भी जरूर एक बार विजिट कीजिए देहरादून को, और काफी पीसफुल लगेगा आपको जाने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग।